तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है 22 फीट बाय 25 फीट का एक ईस्ट फेसिंग 2 बीएचके हाउस प्लान। तो प्लान की जो ईस्ट वेस्ट लंबाई है वो 25 फीट है और नॉर्थ साउथ लंबाई यहाँ पे 22 फीट है। 22 फीट बाय 25 फीट ये हमारा प्लान एरिया है, प्लॉट एरिया नहीं है। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्ट कोने पे ये मेन एंट्रेंस डोर प्रोवाइड किया है, साथ में ही यहाँ पे ये पूरा एक्सटर्नल स्टेयरकेस ब्लॉक दिया है। और इस स्टेयरकेस की साइज 5 फीट बाय 10 फीट है। इसमें से ये 5 फीट है जो दोनों फ्लाइट की विड्थ यानी दोनों फ्लाइट की चौड़ाई, हर एक फ्लाइट की चौड़ाई यहाँ पे 2 फीट 6 इंच है। मेन एंट्रेंस डोर से जैसे अंदर आते हैं तो ये सामने पूरा लिविंग एरिया प्लान किया है हमने। और इस लिविंग एरिया की साइज 9 फीट बाय 10 फीट 3 इंच है, जिसमें से ये 9 फीट विड्थ है यानी लंबाई और 10 फीट 3 इंच ये ऐसे। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कोने पे ये फर्स्ट बेडरूम प्लान किया है, बेडरूम 1 टेनट करेंगे। साइज इसकी 9 फीट बाय 10 फीट 3 इंच है, इसमें से ये 9 फीट ऐसी लंबाई हो गई रूम के अंदर अंदर दीवारों के अंदर अंदर, और 10 फीट 3 इंच ये ऐसी लंबाई। यहाँ पे साउथ वेस्ट कोने पे ये दूसरा बेडरूम, इसकी साइज भी बेडरूम 1 की तरह ही है सेम, बेडरूम 2 9 फीट बाय 10 फीट 3 इंच, तो ये 9 फीट लंबाई और 10 फीट 3 इंच ये ऐसे लंबाई। साउथ फेस में यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ दिया है, साइज इसकी 5 फीट बाय 6 फीट 9 इंच है, इसमें से ये 5 फीट विड्थ है और 6 फीट 9 इंच ऐसे। साउथ ईस्ट कोने पे किचन प्लान किया है, किचन की साइज 9 फीट बाय 7 फीट 6 इंच है, तो 9 फीट ये विड्थ बनेगी और 7 फीट 6 इंच ये। अभी यहाँ पे ये जो स्टेयरकेस ब्लॉक है ये अप रहेगा यहाँ से, तो जैसे ही मिड लैंडिंग लेवल पे आते हैं, ये मिड लैंडिंग लेवल है तो इसके नीचे काफ़ी सारा स्पेस मिलेगा। मतलब ये जो दीवार है इसको अगर आप सीधा एक्सटेंड करते स्टेयरकेस के नीचे तो मिड लैंडिंग के नीचे जो स्पेस मिलेगा, मतलब लगभग 5.5 फीट बाय 3 फीट का, तो उसको हम एज अ स्टोर यूनिट यूज़ कर सकते किचन के लिए, स्टोर एरिया, तो स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाएगा वहाँ पे। और मतलब उसकी साइज रहेगी 2.5 ये 5 फीट आधा फीट की दीवार, तो 5 फीट 6 इंच बाय 2.5 फीट की ये मिड लैंडिंग और आधा फीट की ये दीवार, तो बनेगा 3 फीट। तो 5 फीट 6 इंच बाय 3 फीट का ये स्टोर एरिया बनेगा। बाकी लिविंग एरिया और ये ओपनिंग है ये 3 फीट की रखी हमने किचन में आने के लिए, यहाँ पे भी ये 3 फीट की ओपनिंग है। इसमें ब्रिकवर्क की थिकनेस 6 इंच है, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी। अगर हम इसका टोटल एरिया निकालते कंस्ट्रक्शन एरिया तो बनेगा 22 × 25, वो आएगा टोटल एरिया 550 स्क्वायर फीट। और अगर इसका कंस्ट्रक्शन बजट हमें निकालना है, कॉस्ट कितना खर्चा आएगा ये मकान बनाने में इस हाउस प्लान के साथ, तो 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट हम इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पकड़ेंगे पर स्क्वायर फीट, जो बेसिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है। तो टोटल बजट आएगा यहाँ पे 550,000। तो इस तरीके से ये टोटल कॉस्टिंग है और यहाँ पे ये प्लानिंग है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग, आपको ये प्लान कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। ख़त्म करते हैं आज का वीडियो और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और एक बढ़िया हाउस प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।